शब्द विचार। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। अतः शब्द की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं, ऐसा वर्ण समूह जिसका एक निश्चित अर्थ होता है वह शब्द कहलाता है। जैसे कमल, घर, लकड़ी, पत्थर, पुस्तक आदि। प्रत्येक भाषा में शब्दों का भंडार घटता बढ़ता रहता है। समय के साथ साथ नए शब्दों का समावेश होता है तथा अनुपयोगी शब्द लुप्त होते रहते हैं। अतः भाषा के विद्यार्थियों के लिए यह अति आवश्यक है कि उन्हें शब्द भंडार की उचित जानकारी हो। भाषा में प्रयुक्त शब्द समूह को शब्द भंडार कहते हैं। अब हम शब्दों का वर्गीकरण देखेंगे। शब्दों का वर्गीकरण इस प्रकार से किया जाता है, स्रोत के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर तथा व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। इस प्रकार हमने देखा कि शब्दों का वर्गीकरण 5 प्रकार से होता है। अब हम अगले वीडियो में इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।